जल्दी दौड़ा लो, मैं चावल वही छोड़ के बैठ कर ही चलो। कोई नहीं, अब बाहर से खाइएगा आप हॉस्पिटल से। तो 15 मिनट, 15 मिनट में हमें पहुंचना है ग्रेटर कैलाश। सांस फूल रहा है, दौड़ता हो गया। सुबह ही सुबह दौड़ने की तैयारी, क्योंकि 1 बजे का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। करोल बाग पहुंचना है, राजेंद्र नगर उसा रोड। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तकरीबन हम रिकॉर्ड करेंगे 1 घंटे से ऊपर की वीडियो, क्योंकि हमें चाहिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो ऊपर की वीडियो की है। तो हेलो हेलो गाइस, हमारी स्टार्टिंग हो चुकी है। सुबह सुबह दौड़ते ही निकल चुके हैं हम। सुबह उठ गए थे, सुबह क्या रात में ही उठ गए थे 1:30 बजे। 1:30 बजे उठ के अपना काम वाम करा जो भी था, सुबह 6 बजे तक काम करा, क्योंकि सो हम 8 बजे गए थे आते के साथ ही आशिक के पास से, और रात को 1:30 बजे उठे, फिर काम करा, फिर सुबह 6 बजे सो गए, फिर 9-10 बजे के करीब उठ के जो भी फाइल्स वगैरह थी वो देखी। अब जा रहे हैं हम, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, उसको दिखाना है, क्योंकि पैट स्कैन ड्यू हुआ हुआ है, और उससे पहले परमिशन लेनी ज़रूरी है कि लेटर पे लिखवाना पैट स्कैन का। 6 हफ्ते कितने हुए, 1.5 महीने बाद। हाँ मम्मी, 1.5 महीना हुआ ना, तो डॉक्टर ये बात क्यों कह रहा था कि 6 हफ्ते बाद अप्रूव करते हैं अमेरिकन गाइडलाइंस के अगेंस्ट के अंदर। नहीं, 6 हफ्ते बाद, 6 महीने नहीं बोला उसने। मैं वही तो कह रहा था, मैंने कहा अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर से, अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसको नहीं आगे वाले को दीजिएगा। तो पानी हल्का खुश्क हो गया पूरी तरीके से, अभी पानी पीते हैं। भाग दौड़ एकदम ऐसी हो जाती है कि आप अनएक्सपेक्टेड होते हो कि इतनी भाग दौड़ करनी है आपको। या इनको बुखार हो रहा हो, जरा संभल के दीजिएगा, वैसी ठंड में बैठे हैं। नहीं, मुझे पकड़ाई, मैं हाथ में देख रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, ले लीजिए, दोनों ले लीजिएगा। नहीं, नहीं उसने कहा कि दे देंगे। तो जो बैगर होते हैं उनको पैसे दे रहे हैं, यानी कि आंखों से नाबीना है और एज ज्यादा है इस चक्कर में। जब भी आप बैगर को दे तो बहुत सारी चीजें देख कर दीजिएगा कि वो बंदा अगर मजबूर है और एक उम्र के पड़ाव पे पहुंच गया है तब दें। इसको जिसको भी दिए हैं, इसको हम बचपन से देख रहे हैं, तकरीबन 20-22 साल हो गए देखते देखते। हाँ, कब से? 20-22 साल हो गए इसको देखते हुए। तो आपने नहीं देखा ना, आप निकलती नहीं थी बाहर। एक वो था जो वो लेकर आता था प्लास्टिक का कटोरा टाइप का, काले रंग का, कि जो वक्त है आएगा, वो शायद मर गया। गाता हुआ नहीं आता था फकीर, बच्चे को लेकर चलता था साथ में। हाँ, क्योंकि वो काफी तकरीबन तवील अरसे से वो नजर नहीं आया है। क्योंकि एज भी उसकी तकरीबन 60+ थी। हाँ, जब बटलाउज रहते थे तब आता था। 12-15 साल हो गए बटलाउज से निकले, भाई हमें 12 साल अराउंड हो चुके हैं, और लगता है कि अभी सी बात है। हाँ, 12-15 साल से वो घर बंद पड़ा हुआ है। 14-10 साल। तो हम अपने एरिया से बाहर निकल गए हैं, यहाँ से अब रेड लाइट शुरू होंगी,
और यहाँ से चेकिंग भी स्टार्ट होगी, यानी कि आप स्पीड पकड़ेंगे गाड़ी तो सीट बेल्ट लगा ली जाए। अच्छा चलान हो जाए तक। वरना है न्यू वाली तो मम्मी को इसकी लाइट गाड़ी की, वरना ही अच्छी गाड़ी। अभी लॉन्च हुई है ये है 11 लाख से स्टार्ट होके 16-17 लाख तक है। बेकार है, देखने में सही लग रही है लाइटें। अब तो सब में ही ऐसी आ रही हैं लाइटें, यानी कि अटैच लाइट एक दूसरे से मिली हुई लाइटें जो होती हैं, पूरी एक स्ट्रिप चल रही है। पहले ऑडी में आती थी, अब सब घर कंपनियां दे रही हैं इसी तरीके की, चाहे वो मारुति हो चाहे कोई सी भी कंपनी हो, सब दे रही हैं इसी तरीके की। आपने पानी गर्म कर रखा है। इंसुलिन बाहर रखा हुआ है, कंडी से बाहर है इंसुलिन। वरना के साथ साथ ले लो बस। वरना वाले का इंजन 1.5 है, हमारा 0.8 है। वो एक्सीलेटर ज्यादा दे देगा तो भी वो ज्यादा जम कर जाएगा। हम पूरा एक्सीलेटर देंगे तब भी उसके 2 RPM की बराबरी नहीं कर पाएंगे। जाम लगने के हम पूरी है, क्योंकि राम मंदिर का इनॉग्रेशन है और कालका मंदिर पे हो सकता है किसी ना किसी ने लंगर चालू रख रखा हो। अगर वहां पे लंगर हुआ तो लंबा जाम होगा और हम लेंगे नीचे से ओखला मंडी होते हुए। अगर वहां पे जाम हुआ ऊपर फ्लाईओवर पे, अभी तक तो जाम नहीं दिख रहा है कि कोई जाम है। और जल बोर्ड ने यहाँ पे भी कुछ खोद दिया है मोदी मिल फ्लाईओवर पे। जाम सा तो नहीं लग रहा, अगर जाम नहीं लगा तो 5 मिनट नहीं, जाम नहीं है, बसें आराम से जा रही हैं। 11:30 हो गए, बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। 11:30 तक हमें पहुंचना था बाजी के स्कूल, आज हाफ डे लिया है। 11:30 नहीं, 11 लंच के बाद ही निकलना होता है फौरन स्कूल से। और क्या तो बाहर, फिर हाफ डे का फायदा क्या? हाँ तो पहुंच जाएंगे आज मेरे ख्याल से। जाम वाम नहीं होगा जिस हिसाब से अभी ट्रैफिक यहाँ पे दिख रहा है, तो जाम कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कूल की छुट्टी होगी 1 बजे। 1 बजे से पहले हम हॉस्पिटल पहुंच चुके होंगे। 45 मिनट्स अराउंड लगेंगे यहाँ से पहुंचने में करोल बाग। तो आज भी हम लंबी रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि हमें कंटेंट चाहिए 1-1 घंटे का, क्योंकि यूट्यूब जो है ना, तो वही कोशिश में लगे हुए हैं अब हम कि जल्द से जल्द हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। उम्मीद करते हैं कि एंड ऑफ जैन या फिर 15 फेब तक हमारा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रेडी होगा। व्यूज़ तो ठीक ठाक हैं जितना, यानी कि स्टार्टिंग में होना चाहिए 1000 सब्सक्राइबर पे। क्या करूं, आप हाथ क्यों दिखाए जा रही हैं? आप चला लीजिए, आप चला लो, उससे चला ही नहीं जा रही है। ज्यादा ठंड है, हाथ हो रहा है, लग सकता है। औरत होगी? नहीं, आदमी है।
जिस तरीके से गाड़ी चला रहा है उस तरीके से लग रहा है कि एक औरत ही चला सकती है ऐसी गाड़ी। जेंडर चेंज हो गया होगा। वैसे भी आजकल एम्स वाले सर्जरी कर रहे हैं जेंडर चेंज की, तो क्या पता है औरत को आदमी बना दियो। अब भी उल्टी पुल्टी चला रहा है पीछे से, ORVM में हम देख रहे हैं, तो अब साइड में लेकर गया उधर की तरफ। अभी भी मुझे लग रहा है कुछ कालका मंदिर पे भोजन चल रहा है, क्योंकि अब अगर जाम लगना शुरू हुआ ना, ये एक घंटे में इतना हो जाएगा कि मोदी मील का फ्लाईओवर क्रॉस कर जाएगा कालका मंदिर से। अभी देखते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा। ग्यारह बजे ट्रकों की एंट्री खुल जाती है, तो इसलिए हमें सड़क पे ट्रक देख रहे हैं जहाँ दिल्ली के अंदर। दो घंटे के लिए एंट्री खोलते हैं जिनको, यानी कि लोडर्स को निकलना होता है 2-3 घंटे के लिए, फिर स्कूल टाइम पे रुक जाते हैं। खाली लोग जो है दर्शन करने आए हैं, उसके चक्कर में जाम हो रहा है। आपने मुझे 11:30, तो मैं उसी हिसाब से निकला हूँ, ठीक है? मैंने 11:15 बोला। नहीं, फिर भी मैं 11:15 पे निकल गया हूँ घर से। क्रॉस कर लिया नेहरू प्लेस। अरे क्या कर रहा है? बुलेट वाला काटे जा रहा है, साइड में देख नहीं रहा कि क्या क्या चल रहा है। पीछे ही खड़ा है बुलेट वाला, ये जो बुलेट वाला है। तो ऐसे ही चलते हैं ये लोग, जॉब पे जा रहे होते हैं, कुछ होश नहीं होता क्योंकि इनके दिमाग सुन हुए होते हैं। हम तो उस क्या कहा जाए उस दौर से नहीं गुजरे हैं, क्योंकि वर्कलोड इन पे ज़्यादा होता है, सोने को मिलता नहीं है, घर वालों की टेंशन, सब टेंशन है मिल के, ये लोग परेशान रहते हैं हमेशा, तो इनके टकराने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं इसी चक्कर में। तो सबसे पहले रेड लाइट से हमारी गाड़ी निकली, आगे भी लेकिन ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक हो रहा है, जबकि सैटरडे है, मॉर्निंग है। जो सामने पल्सर वाला चल रहा है, कभी भी ऐसे लोगों को हॉर्न मत दो। निकल जाएंगे 72 मिनट्स सेकंड्स।
औंधे पौंधे चलाते हैं, किसी को किधर जाना है किसी को किधर जाना है। ऑटो वाले को कहीं और जाना था और कहीं और लेके खड़ा हुआ था। यहाँ पे रेड लाइट मिलेगी, ग्रीन है, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक रेड हो जाएगी। सीधे वालों की है, वो निकलते ही टहलने के लिए गाड़ियां लेके। काम से तो बहुत कम ही लोग निकलते हैं जिनको काम होता है, ज्यादातर तो आवारगी काटने के लिए। बोतल कहीं की कहीं लुढ़के जा रही है बार बार। आज हमें तकरीबन 1 घंटे से ऊपर की वीडियो रिकॉर्ड करनी है जो हम लोग अपलोड करेंगे। 19 मिनट के अराउंड हो चुकी है वीडियो, हमारी ग्रीन हो गई, अब हम निकल रहे हैं। अब आ गए हम कैलाश कॉलोनी वाले मेट्रो स्टेशन के नीचे। इससे अगला पड़ेगा ब्लू बेल्स स्कूल जमरूदपुर। ऑटो वाले बिल्कुल भी नहीं हटाते, लोगों की बेइज्जती देख के जो है ना मुझे। अरे वो बेचारा लंगड़ा था। फिर एकदम चाल कैसे तेज हो गई, लंगड़ा था तो। ये देखिए ये वाला मम्मी, ये जो
पैट स्कैन के बारे में डिस्कस करना है, जो पैट स्कैन होना है क्योंकि डॉक्टर को पता होना चाहिए कि उनको क्या करना है, तो इसलिए उनको इन्फॉर्म करना पहले से ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बाद में भी आप कर सकते हो लेकिन पहले बता देना ज़्यादा सही है, इंटीमेट कर देना। तो अभी मिलते हैं आवास सर को दिखा दें उसको। जो डॉक्टर हैं वो आज मज़े लेने लगे बाजी से, क्योंकि जो लास्ट टाइम अब्यूज़ हुआ था यानी कि बाजी के साथ जो अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करी थी डॉक्टर मनदीप ने, जो कि सी के बिरला के अंदर बैठते हैं, उसके बारे में वो पूछने लगे कि ऐसा चल रहा है ट्रीटमेंट, कि कैसा रहा आपका जो सप्लीमेंट वाला जो ट्रीटमेंट आप ले रहे थे, यानी कि डॉक्टर मनदीप जो है डबास के सीनियर हैं, बट
और क्या हाल है? बस बढ़िया। हाँ मम्मी ठीक है। आज डबासर को दिखाने आए थे तो ये पार्किंग वाले हमारे जानने वाले, तो अभी हम आए पार्किंग में बैग वैग रखने। सारा काम हो गया है, 2 बजे हैं, 1-1.5 घंटे में सब डॉक्टर ने देख लिया मम्मी को। 2:13 हो रहे हैं, अभी खाना खाते हैं। मम्मी खाना खा रही हैं, खाना खा के निकलते हैं पार्क में। पूरी भरी पड़ी है, ये बी एल के मैक्स है। हॉस्पिटल में अभी फिलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है मम्मी का, तो बस अभी निकलते हैं। अंदर जाता हूँ, वॉशरूम होकर आता हूँ, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत ठंड के वजह से। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, खाना वाना खाते हैं। खाना खा के नहीं, हमें खाना खा रहा है। काफ़ी भीड़ हो रखी है, देखते हैं पनीर पनीर की सब्जी खाएंगे। तो अभी वेट करा जा रहा है। तो आ गया हमारा शाही पनीर और कढ़ी। तो जले हुए नान दे दिए, खा के निकल चुके हैं। 80 रुपए का खर्चा है, 3 नान कढ़ाई और शाही पनीर। काफ़ी सही खाना होता है, टेस्ट काफ़ी सही होता है। तो अब जा रहे हैं हॉस्पिटल में, मम्मी को लेते हैं, देखते हैं मम्मी तैयार हुई है। हॉस्पिटल का खाती हूँ, क्योंकि बाहर का थोड़ा अनहाइजीनिक होता है, इस वजह से हम अनहाइजीनिक खाते हैं, क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं है इम्यून सिस्टम के अंदर। इसलिए अभी पहुँच रहे हैं बस हॉस्पिटल। आ चुके हैं हम हॉस्पिटल के अंदर। ये सांभर और मटर चावल। मटर चावल खा लिया आपने? जीरे, जीरे के साथ। तो अब घर निकलेंगे सीधे, लाजपत नगर जाना कैंसिल। भोगल होते हुए जाना है, टिश्यू कर लीजिए ना, फ्री हो जाएगी थोड़ा। करना है तो बताइए, या फिर ऐसा करिए कहीं मत चाहिए, सीधा घर चलिए, 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। बताइए, ठीक है। तो अभी बहुत रुकते हुए जाएंगे वहाँ से टिश्यू पेपर लेने। पेट भर गया आपके इससे? तो अब हम लोग निकल रहे हैं मैक्स हॉस्पिटल से, बीएलके मैक्स से। दस से 15 मिनट में पहुंचेंगे हम घर। हमारा पार्किंग सेंसर हो गया पागल, गाड़ी इतनी दूर है फिर भी टी 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 कर जा रहा है। हमें दिख रही है मारुति सुजुकी जिमनी, जो के है ग्रीनिश कलर में।
तो गाड़ी को रुकवाया है, कोई गवर्नर की गाड़ी है, उसको लेकर आ रहा है यहाँ पे वापस। अरे निकालो यार, निकालो। बेवकूफी बनती है पार्किंग के चक्कर में। दूसरों को एंगेज करा जा रहा है। सीट बेल्ट लगा लीजिएगा।
अभी हमने लिए घड़ी, अभी हम घूम रहे हैं घड़ी मार्केट। हमें जरूरत पड़ रही थी घड़ी की, बहुत ज्यादा है एग्जाम लिखने में प्रॉब्लम हो रही। मात्र कितने की? 150 रुपए की। और ये अगर मार्केट से मैं लूंगा तो 400-500 रुपए की, अमेजोन से लूंगा 500 रुपए का। 6 महीने 1 साल चल जाए काफी है, उसके बाद फेंक देंगे सर, फिर दूसरी ले लेंगे। क्यों मसी भाई, 1 साल चल गई काफी है, 3,000 की है उसके लिए तो कैसी होगी, तो वही बात पड़ जाती, यानी कि ऊब जाते उससे। हाँ वो खराब नहीं होती घड़ी मार जाती। तो अभी कहाँ, फतेहपुरी चल रहे, अभी भगीरथ पैलेस चलते हैं। आ गए हम चांदनी चौक में और हम जा रहे हैं भगीरथ पैलेस। भगीरथ पैलेस से हमें लेना है सोनाबाद। आज इतनी ज्यादा ठंड नहीं है, क्यों मसी भाई? आज नहीं है ज्यादा, ज्यादा ठंड नहीं है ना, कम ठंड है। इसके बाद हमें लेनी है चाय की पत्ती, नया बाजार जाएंगे कावड़ी। तो अभी पहुंचते हैं भगीरथ पैलेस में मदर की वजह से, जिससे डिटॉक्सिफिकेशन, बर्निंग कैलोरीज, फ्रेश फील, फ्रेश एंड स्किन फ्री, बेनिफिट अरोमाथेरेपी, ग्लो। ऐसी 10 रुपए की बिट। ये हमारा पेच वगैरह घिसने के काम में आएगा, इसलिए हमने लिया। तो अभी हो गया हम लोगों का काम कंप्लीट, पी जा रही है चाय, बढ़िया चाय भगीरथ पैलेस की। लेकिन वो मजा नहीं आया जो बल्ली महारानी की चाय में आता है। अब यहाँ से निकलेंगे बल्ली महारानी चाय पीने के लिए, स्पेशली वहाँ पियेंगे पुरानी दिल्ली की मशहूर चाय, जो दूध अलग से उबालते हैं और उसके अंदर चाय की पत्ती अलग से बना के और फिर पिलाते हैं, चीनी अलग से घुलती है उसमें। अभी मिलते हैं बल्ली महाराज जी। तो हम आ चुके हैं चांदनी चौक के गुरुद्वारे पे। गुरुद्वारा कौन सा है? बंगला साहब तो उधर है। तो ये मुझसे विजय सर पूछ रहे थे कौन सा वाला गुरुद्वारा है, अभी तक मुझे इसका नाम याद नहीं हुआ, उस वाले गुरुद्वारे। तो हमें नाम ही याद नहीं होता इस वाले का। कभी रेल की बैटरी भी जाने वाली है थोड़ी देर में, बोल जाएगी बैटरी। हम है यहाँ पे चांदनी चौक से, रात के मजे लिए जा रहे हैं दोनों भाई, घूम रहे हैं। अभी जा रहे हैं चाय की पत्ती की डीलिंग करने फतेहपुरी, देखते हैं मिलता है नया मास मार्केट, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में अगर बैटरी बच गई तो, वरना फिर दूसरे से होगा और उसके अंदर क्वालिटी आएगी बहुत खराब। याद आ गया साहिबगंज गुरुद्वारा, उस टाइम हमें याद नहीं था जब हमारा टेस्ट हो रहा था, विजय सर ने बहुत सुनाया था कि आप असाइनमेंट तो बना रहे हो लेकिन याद नहीं हुआ आपको, वर्बली याद होने चाहिए आपको। जिस किसी की भी शादी होने जा रही है तो उसके लिए यहाँ पे सारे लहंगे वगैरह भरे पड़े रहते हैं। तो आती है नई सड़क जिस पे वेडिंग ड्रेस वगैरह आपको बहुत मुनासिब दामों में मिल जाएगी, महंगी तो होंगी लेकिन मुनासिब दामों में होंगी, सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे, मनीष मल्होत्रा वगैरह सब ए टू जेड। परांठे वाली के लिए अक्षय कुमार यहाँ पे ठीक। तो अभी हम जा रहे हैं फतेहपुरी की तरफ, फतेहपुरी मस्जिद। नई सड़क यहाँ पे है सारे मसाले वाले, मसाले ड्राई फ्रूट्स। तो अभी हम उनको चाय की पत्ती का देखना है, नया बास मार्केट सामने ही है नया, और यहीं पे हमें देखनी है चाय की पत्ती। अब तो बंद हो गई होगी इस टाइम, वो दुकान देख ले। तो अभी हमें लेनी है इलायची,
अपनी चाय के लिए, तो इलायची लेकर जाएंगे यहाँ पे। अभी हम होकर आ रहे हैं नया बाजार, लेकिन चाय वाले नहीं मिले क्योंकि दुकानें ऑलरेडी बंद हो गई। अभी हम है चौड़ी में, चौड़ी में इलायची ली हमने 280 रुपए ग्राम, 100 ग्राम यानी 2800 रुपए किलो की इलायची पड़ी है। मैं यहाँ से जो फ्रेश इलायची होती है वो जिसका दाना गीला होता है अच्छी, जिसकी कहेंगे सुगंध होती है वो। अभी जा रहे हैं हम बल्ली मारा, बल्ली मारा में पियेंगे चाय। तो ये होती है बल्ली महाराज की चाय, जो कि काफी फेमस है और बढ़िया मिठास, मीठी होती है बहुत ज्यादा, झाग होते हैं, झाग वगैरह देखते हैं। और हमारा मोबाइल किसी भी टाइम हो सकता है बंद, बस अभी यहाँ से हम 10-15 मिनट में निकलेंगे, निकल के पहुँचेंगे घर। तो अब हम निकल रहे हैं बल्ली महाराज से, ये पूरा बल्ली महाराज है, जूते चप्पल चश्मे कारपेट सारी मार यहाँ पे है। आपको लोकलाइज बने हुए जूते यहाँ पे मिल जाएंगे, राजस्थानी जयपुरी जो चप्पलें होती हैं वो सारी यहाँ पे मिलेंगी। इस टाइम नटराज के आ गए, देखो क्या हालत हुई पड़ी है, सारे खाने के लिए दही बड़े दही फुल्कियाँ ये सब, खूब भीड़ लगा रखी है नटराज वाले पे। अभी हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, हमारा मोबाइल जाने की तैयारी कर रहा है 6 बजे। सामने चमक रहा है लाल किला और उसके बराबर में है लाल मंदिर, लाल मंदिर के ऊपर भी बढ़िया लाइटनिंग हुई है। तो अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, हम मैं और मसीह और बाइक लेके सीधे निकलेंगे घर। 3-4 घंटे में यहाँ पे हो चुके हैं, पूरा पैदल पैदल घूम कर आए, थक गए, बुरी हालत हो गई, रिक्शा नहीं करा। अब हमारी वार्निंग आ गई, 5% चार्जिंग रह गई है फोन की। अब बिल मार्केट की तरफ और पार्किंग से उठाएंगे बाइक और सीधे निकलेंगे घर। पार्किंग हो चुकी है खाली, बाइक ही बस सामने खड़ी हुई दिख रही है, बाकी ये खड़ी हुई हमारी बाइक स्कूटी के साथ। निकलते हैं, बैटरी भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, मिलते हैं घर जाके।